अक्षय, क्योंकि कहा जा रहा है तनाव, वर्क प्रेशर, ये तमाम चीजें हो सकती हैं, लेकिन क्या 2 घंटे से भी ज्यादा का वक्त हो गया है? आरोपी कांस्टेबल जो चेतन है उससे पूछताछ जारी है। अक्षय, आप हमारे साथ बने, आप दिखाइए वहां की तस्वीरें, क्योंकि आप इस बोगी को कार शेड की तरफ लिया लेकर जाया जा रहा है। फिलहाल अभी ये पूरी ट्रेन को जो है वो अभी कारशेड में जो है वो ले जाया जा रहा है। B5 बोगी में ये पूरी घटना हुई थी और जो आरोपी था चेतन, वो पूरी हाथ में रिवॉल्वर लेकर पूरी ट्रेन में जो है वो घूम रहा था, इसीलिए ये जो पूरी फायरिंग की घटना है वो अलग अलग बोगी में हुई है। अभी फिलहाल ऐसी जानकारी जो है वो मिल रही है। जी अक्षय, इस बीच इस जो वहां पर लोग मौजूद हैं अभी तक, क्योंकि करीब 1.5-2 घंटे से मुंबई सेंट्रल में जब तक ये बोगी खड़ी रही, ट्रेन खड़ी रही, तब तक किस तरह की जांच हुई है, क्या हुआ है वहां पर, यह बताइए जरा। फिलहाल इस पूरी घटना की जो प्राथमिक जो जांच है वो हो चुकी है अभी, और आगे की जो जांच है उसके लिए पूरी फॉरेंसिक की टीम जो है पर आएगी, और आगे की जो तलाश है वो पूरी फॉरेंसिक टीम के ओर से की जाएगी। बिल्कुल, ये तस्वीरें दिखाते रहिए अक्षय, ये तस्वीरें इस वक्त बहुत अहम है। यही वो बोगी है जिसमें इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया है, जिसने ट्रेन में मौजूद हर यात्री को दहशत से भर दिया। यही वो बोगी है जिसमें तमाम यात्री सवार थे। सुबह तड़के का वक्त था, 5 बजे भोर का वक्त था जब ये शूट आउट हुआ, और जो जानकारी मिली है वो ये कि RPF के कांस्टेबल ने ASI टीकाराम पर गोली चलाई और क्रॉस फायरिंग भी हुई, जिसमें 3 और बेकसूर यात्रियों की जान चली गई। 4 लोगों की मौत हुई है इस शूटआउट में।